सब कुछ ठीक है ना mm -hmm. इंडिया माना ठीक है हमारे हालात आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं हमारी टीम के बट वहाँ का करंट जो है लग रहा है यहाँ भी शॉक भेज रहा है बट पाकिस्तान इस इस ग्रुप की तो सबसे अच्छी टीम जो है एक्सपेक्टेड था दे हैव प्लेड द बेस्ट सबसे अच्छी टीम कहेंगे परफॉर्म अच्छा कर दिया इस वजह से शायद आप कह रहे हैं इसीलिए बोल रहा हूँ हाँ. और आ, ये है, अच्छा खेला Not और सबसे बड़ी बात देखिए वो ऐसा नहीं वो फंसा भी था पाकिस्तान फंसा भी था दो मैचेस में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी और अफगानिस्तान के भी, भी अगेंस्ट दोनों मैच में और एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान हार चुका है मैच पर वही बात है ना वो जो आपने बात करी ना उनको मोमेंटम ऐसा मिल चुका था वो बिलीफ मिल चुका था और वो आसिफ अली को वो रब कर आके जो दो मैच इनको जिताए हैं वो प्लेयर ने जिताए मतलब टीम वहां तक ले आई डूब भी सकते थे तैर भी सकते थे उस इंसान ने सात छक्के मार दिए और आपको चार, चार मैचों में दो मैच अगर जिताए सर वो भी नीचे इतने बल्लेबाजी तो 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 है, कहते हैं ना वो इफ यू शो अ गन इन फर्स्ट एक्ट मस्ट फायर बाय थर्ड। आसिफ का अगर आप टूर्नामेंट में बॉलिंग कितनी खेले बट वो दो मैच से खेले होंगे थी थिंक आई थिंक पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात क्या है उनके ऊपर से रिजवान ने बाबर ने रन बनाए हैं yes. बाकी नीचे से रन इतने नहीं आए हैं लेकिन फिर नीचे आते हैं अली के बाकी यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन है बट अगेन बड़ी टूर्नामेंट होती है कब कोई बड़ा प्लेयर दोबारा से आ, खड़ा हो जाए यू नेवर नो बोलिंग उनकी अभी तक अच्छी है बट मुझे अभी भी लगता है कि इंग्लैंड की टीम आई थिंक इज द बेस्ट बूंदिया बट पाकिस्तान और इंग्लैंड सेमीफाइनल में नहीं खेल रहे तो ये दोनों को एक एडवांटेज है अभी मुझे लगता है कि आपको ये लगता है कि किसी दिन जैसे बुरा दिन जो बोलते हैं ना हमारे साथ जो 2019 में हुआ था वहां पे टॉप ऑर्डर हमारा बजाया जा रहा था बजाया जा रहा था पाकिस्तान की भी अभी वही सेमीफाइनल में, में आ situation. जाएगा वो राहुल सेमीफाइनल में किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है नॉकआउट गेम है बट <laughs> और लाएंस... और उस दिन उस दिन पाकिस्तान का इम्तिहान होगा बिकॉज गेम्स खेले नहीं है जब आप नॉकआउट गेम उनके लिए नॉकआउट गेम पहले ही गेम था अगेंस्ट इंडिया द मोमेंट उन्होंने आपके छह दो आउट कर दिए फिर वो चढ़ गए दे बिलीव इन देंस अब जब वो सेमीफाइनल में जाएंगे राहुल उनके लिए भी वही जीरो से स्टार्ट होगा नॉकआउट गेम जो है ना आपको कुछ भी करवा सकती है लेकिन कभी कभी क्या होता है?